हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि आज हमारे जयपुर में सुबह 5 बजे से बारिश हो रही है और मैं जो है 12 बजे से लगी हुई हूँ। 2 बज गए हैं, ढाई दो ढाई ढाई घंटे हो गए हैं मुझे अपने गार्डन में काम करते हुए। बिल्कुल सारे कपड़े मेरे भीगे हुए हैं, देखो आप, सारे कपड़े भीगे हुए हैं, मिट्टी में सब बैठ बैठ के काम कर रही हूँ। और सबसे पहले तो हमने ये सारे स्टैंड्स के, पहले भी एक बार आपको दिखाया था मैंने, ये गमले उतार के मैं बाहर रख देती हूँ, तो ये बाहर रख दिए थे गमले। और ये वाला स्टैंड देखिए, ये बाहर निकाल के रखा आते ही, ये वाला स्टैंड मैंने बाहर निकाल के रखा है। और फिर उसके बाद मैंने अपना गार्डनिंग वर्क्स शुरू किए, जो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किए। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए, ये इनकी ये जो है ना लोरो, ये देखो इसका है नाम होता है अल्टरनेंथेरा या लोरोपेटलम भी कहते हैं इसको। लोरोपेटलम की ना कई लोग कहते हैं आपकी कई वैरायटीज आती हैं लोरोपेटलम की, ये ड्वार्फ वैरायटी है। तो ये है इसकी, देखिए हेज, छोटा वाला हेज प्लांट भी कहते हैं इसकी। मैंने ये छोटी छोटी, अगर आपके यहाँ भी लगा हुआ है तो ऐसे कटिंग कर देंगे, क्योंकि बारिश है फिर हम कटिंग करेंगे ऐसे, हाथ से पिंचिंग कर दें करी मैंने इसकी सारी। और इसके ये छोटे छोटे जो हैं वो इनको ऐसे लगा दूंगी, ये मैंने पहले लगाए हुए हैं। और देखिए ऐसे इनको भी, इनको मैंने ऐसे और भी कई जगह इनको ऐसे ऐसे करके लगा दिया है। कुछ पहले के लगे हुए हैं, कुछ अभी ऐसे, ताकि ये वाला गमला भी भारी हो जाए, ये दूसरा भर जाए मतलब। और इनकी भी ऐसे कटिंग वगैरह कर दी है, ये देखिए ऊपर से इनकी भी मैंने पिंचिंग कर दी है यूँ। और पिंचिंग के बाद इनकी कटिंग्स को भी मैं पिंचिंग करके मैंने इसकी गोल कटिंग बना दी है और गोल शेप बना दी है मैंने इसकी। और अब ये जो ये छोटी छोटी कटिंग्स निकली हैं इनको मैं लगा लूँगी, अभी मैं इसको यहीं रखती हूँ। और देखिए इसमें मैंने ये वाली कटिंग्स भी रखी हुई हैं। और जैसे मैंने कहा मुझे बोनसाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आज आज मौसम अच्छा है, मेरे को ये वायर भी मिला तो मैंने सोचा थोड़ा सा ट्राई करती हूँ, हल्का सा ट्राई करा है मैंने। ये मेरा एक्चुअली प्लांट जो था मैंने 2 साल हो गए उससे लगाया था। देखिए इसमें वीड भी हो गई है, इसको वीड के लिए भी कुछ करेंगे। और इसमें देखिए रूट सिस्टम वगैरह बड़ा अच्छा डेवलप हुआ हुआ है। मैं सोचती हूँ कि ना मुझे ये बोनसाई जो है ना, ये आर्ट है, ये आपके दिमाग की क्रिएटिविटी है। जैसे आप पेंटिंग सीखते हो आप, है ना, तो बेसिक्स आप पेंटिंग के सीख लोगे, लेकिन आपके दिमाग से जो आप बनाते हो वो आपका आपका खुद का क्रिएटिविटी होती है, आपका खुद का पोटेंशियल होता है। पेंटिंग तो सब लोग सीखते हैं, कई लोग ग्रेजुएशन करते हैं, तो वही इसमें होता है कि बेसिक्स आपको पता हो, लेकिन उसके बाद आप उसमें से कितनी खूबसूरती निकालते हो उस प्लांट में, आपका दिमाग कितना चलता है उस क्रिएटिव चीज़ में, तो वो है। तो मेरा इतना ना बोनसाई में अभी इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरा इतना चलता नहीं है शायद बोनसाई में, पर फिर भी जो बेसिक्स मुझे पता है वो मैं आपको, एक बार मैंने बोनसाई की थोड़ी सी क्लासेस ज्वाइन की थी 2 दिन की, तो मुझे जो थोड़े बहुत बेसिक्स पता है उन पे मैं वीडियो बनाऊंगी। और मेरे प्लांट को आप मत देखिएगा कि आपका ऐसा है, क्योंकि मुझे मेरे में वो वाली क्रिएटिविटी शायद है नहीं, या मैंने अभी तक वो डेवलप नहीं की है। ये देखिए मैंने सारी इसकी जो है कोलियस की कटिंग्स लगाई हैं, ये देखिए इसकी लगाई है, शेंचेजिया की लगाई हैं, देखिए कटिंग्स, ये कोलियस की, ये शेंचेजिया कोलियस की, सारे जितने भी थे इनमें छोटी छोटी कटिंग्स लगा दी हैं मैंने, क्योंकि अब सर्दियां आएंगी आगे आगे तो। और ये देखिए ये इसकी स्नो बुश की कटिंग्स लगाई हैं मैंने, अभी ये सुबह सुबह करती जा रही हूँ बस मैं ये काम, और आपको दिखाती हूँ मैं। ये जो बारिश का मौसम होता है, ये आप इस टाइम बारिश होते होते में अगर आप रिपोर्टिंग वगैरह कर लें तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये मैंने, ये मेरा एग्लोनीमा की वैरायटी है, और ये मैं पहले भी शायद शॉपिंग में आपको दिखाया होगा, ये एक गमले में ये एक और ये दो और ये तीन मैंने डिवाइड करके बनाए हैं। देखिए एक ये इसमें लगा लिया है, एक इसमें लगाया, अलग कर लिया बड़े वाले को, और एक ये छोटे को देखिए इस छोटे में लगा दिया है।
तो एक में से मैंने ये तीन बना लिए हैं। और जनाडू मेरा इसमें लगा हुआ था, कुंडे में लगा हुआ था। जनाडू को मैंने इसमें छोटे गमले में लगा लिया है, तो मैं इसको स्टैंड में लगाऊंगी अब। और इसमें से एक छोटा सा निकाल के अलग कर दिया जनाडू में से, और उसको मैं फिर इंडोर कहीं रखूंगी। जनाडू इंडोर बहुत अच्छा चलता है क्योंकि ये फाइलोडेंड्रॉन है। और ये वाला जो मेरा हेक्सागोनल गमला है, इसमें मैंने इसकी लगाई है कटिंग। तो यक्का देखिए, मैंने इस ब्लैक जिसमें मैंने एग्लोनीमा ब्लैक लगाया है, इसमें मैंने यक्का की कटिंग लगाई हुई थी मदर प्लांट से निकाल के, और उसकी ये नीचे की कटिंग काट के इसमें लगा दिया है ताकि सुंदर लगेगा, ऊंचा होगा। तो एक और लगाया हुआ है, देखिए मैंने ये एक दिखाऊँ आपको, ये वाला भी लगाया हुआ है। ये देखिए, ये भी मैंने मदर प्लांट से एक बेबी प्लांट अलग करके लगाया हुआ है। और ये देखिए ऐसे निकलते हैं ये बेबी प्लांट्स, ऐसे ये बेबी प्लांट्स देखिए ऐसे नीचे निकलते हैं ऐसे, ये वाले इनको अलग कर करके और लगा देती हूँ मैं, फिर इनको फिर से लगा देते हैं, बड़े होते हैं तो दूसरे गमलों में। ये वेरीगेटेड वाला यक्का है मेरा, देखिए इसमें भी मैंने क्या किया है, इसमें ये जो बेबी प्लांट्स लगे हुए हैं ना ये वाले, ये देखिए ये छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकलते हैं। ये देखिए इन छोटे छोटे प्लांटलेट्स को मैंने इसी गमले में अभी लगा दिया, देखिए ये इनको इसी गमले में ऐसे लगा दिया हुआ है ऐसे लेके। ये क्या होता है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग होती है बारिश में तो भी इसके जो ब्रांचेस हैं वो पीली पीली पड़ने लग जाती हैं। तो इनको जैसे अभी मैं लगाऊंगी तो इसको थोड़ी सी मुझे कवर्ड जगह में रखना पड़ेगा, नहीं तो ये पत्तियाँ पीली पीली होके इसकी झड़नी शुरू हो जाएंगी। इसको बहुत ज़्यादा बारिश अब नहीं लगने दूंगी, ये लगा दिया मैंने। और इधर भी देखिए ये इतने सारे हैं, इनको भी सबको लगा सकती हूँ मैं। ये देखिए क्लेरोडेंड्रम है, ये वो है क्लेरोडेंड्रॉन डेंड्रम, ये जो है हेज प्लांट होता है, ये हेज लगाई जाती है इसकी। और ये बहुत अच्छा टाइम है अगर आपके आसपास भी कहीं लगे हुए हैं, ये इसकी मैंने कटिंग कर दी थी, इसकी टॉपियरी भी बहुत अच्छी बनती है, जैसे इसकी ऐसी कटिंग्स ये मैंने कर दी हैं अभी, और इनको अभी लगाया भी है, दिखाती हूँ मैं आपको। और इसमें से हल्की हल्की नींबू जैसी या कुछ ऐसे मिलती जुलती सी स्मेल आती है। और ये देखिए एकेलिफा का प्लांट है ग्रीन वाला, और इसकी भी मैंने देखी एक ब्रांच काट के, ये देखिए ये कटिंग लगाई है, ये अभी लगाई है। और आप भी जब ऐसे बारिश होती है ये काम कर सकते हैं, सुबह से मैं लगी हुई हूँ। और दिखाइए, दिखाती हूँ मैंने कैसे लगाई है, बस इसकी भी ऐसे छोटी छोटी कटिंग्स लगा दी है, देखिए जो मैंने आपको कहा था उसकी लगाई है मैंने अल्टरनेंथेरा की। और ये एक पुरानी लगाई हुई है मैंने एग्लोनीमा की कटिंग, ये देखिए, और ये पहले के ये भी लगाए हुए हैं देखिए। ये मैंने क्या किया हुआ है इस प्लांट के, देखिए ये हैं, इसमें से निकला था इसी में ही लगा दिया, अलग नहीं किया प्लांट से, और ऐसे ही इसमें लगा दिया, दिख रहा है आपको। और इसमें से ये दूसरा जो निकल रहा था इसमें भी देखिए ये अभी उखड़ गया है, मैंने उखाया, देखिए यहाँ पे ये भी ज़मीन में ऐसे लगा हुआ था तो इसमें से भी रूट्स डेवलप हो रही थी। और ये मेरा जो था ये फाइका से, देखिए इसको ऊपर ऊपर से मैंने थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर दिया है ये, ताकि ये और ज़्यादा घना हो अब बारिश में। और इसकी कटिंग्स जो छोटी छोटी कटिंग्स थी फाइकस की, बहुत छोटी छोटी कटिंग्स भी लग जाती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी, ये देखिए कटिंग्स ये लगा दी हैं मैंने, ये बारिश में कटिंग्स बहुत जल्दी, इसमें मिट्टी थोड़ी सी है फिर भी उसमें मैंने लगा दी हैं ये कटिंग्स। इसमें मेरा बहुत टाइम लगा है, गर्मियों में ये जो मेरे थे जेड प्लांट ये मैंने आपको दिखाए थे, लेकिन फिर इनको धूप चाहिए होती है और मेरे ये ज़्यादा छाया में पड़े हुए थे अंदर की तरफ, तो इसलिए इनमें जो है वो कुछ कुछ जो ये ब्रांचेस देखिए ऐसे गल गई थी। ये देखिए, ये आप लोगों के बहुत होता है ऐसे, मुझे बहुत बार आते हैं ये क्वेश्चंस, ये देखिए ऐसे ब्रांचेस गल गई थी। ये इसलिए गल गई थी क्योंकि ये ग्रीन नेट के नीचे ऐसी जगह पड़ा था जहाँ इसको बिल्कुल छन के भी धूप बहुत कम आ रही थी, ये देखिए बहुत छन के भी बहुत कम धूप आ रही थी, ये इस बार मेरे से मिस्टेक हुई है। तो ग्रीन नेट के नीचे भी ऐसी जगह रखने हैं आपको ये जेड प्लांट कि उसमें ग्रीन नेट से छन के धूप आए। मैंने ऐसी जगह रखे थे, आप लोगों को दिखाए भी थे दो तीन बार,
कि उसमें छन के भी धूप जो है वो थोड़ी देर के लिए आती थी। तो मिस्टेक तो सबसे ही होती है और मिस्टेक से हम लोग सीखते हैं। तो आज तक कभी नहीं हुआ मेरे साथ, फर्स्ट टाइम हुआ है कि मेरे जेड प्लांट की कई ब्रांचेस, देखिए ये नीचे मैंने तोड़ तोड़ के फेंकी हैं, देखिए ये ऐसी हो गई हैं ये ब्रांचेस। तो अगर आपके भी ऐसी हो गई हैं कुछ ब्रांचेस तो उनको निकाल दें जो है, और जो बचा हुआ आपका प्लांट है, जो बचा हुआ प्लांट है उसमें से कटिंग ले लेके, देखिए ये मैंने सारी कटिंग्स लगा दी हैं, ये जो अच्छा वाला हिस्सा था पौधे का रह गया था उसमें से ऐसे कटिंग ले लेके, देखिए ये जिस हाफ में कटिंग नहीं थी उसमें लगा दी हैं, और इसमें मुझे बहुत टाइम लगा है, काफ़ी देर से मैं ज़्यादातर इसी में ही लगी हुई हूँ। और ये देखिए ये जो डोरांटा वगैरह ऐसे जो भी प्लांट्स हैं उनको ऐसे पिंचिंग कर दें ताकि अब आगे आगे नए इसमें आए। ये देखिए ये है, ये भी जेड जो मैंने वो निकाले हैं ना ब्रांचेस, ये उनमें से एक एक गमले में से मैंने ये वाली ब्रांच निकाल ली, और ये मुझे अच्छी सी लग रही थी, देखिए अच्छा सा ट्री जैसा शेप आ रहा है, और हल्का सा इसको कुछ शेप दे दूंगी। और ये देखिए इसको लगा लिया है मैंने इसमें अलग करके, और ये भी वो यक्का है, देखिए वो वेरीगेटेड यक्का है जो अभी मैंने दिखाया था आपको, और ये यक्का जो है वो प्लेन वाला है। इसके साथ का यक्का बहुत बड़ा हो गया था मेरा, नीचे पड़ा हुआ था, फिर वो मेरे को पता नहीं इम्पोर्टेंस नहीं हुई उसकी, बहुत लंबा हो गया था, बाउंड्री से ऊंचा हो रहा था, मैंने उखाड़ के रख दिया उसको कि इसको बाहर लगा दूंगी बाउंड्री के बाहर, वो पड़ा रहा और सूख गया वो पौधा मेरा। तो उसके ये बेबी प्लांट्स हैं, देखिए इसको, ये स्टोन वाला प्लांटर मैंने लिया था एक बार और उसमें लगाया हुआ है। ये देखिए ये बहुत सारे गमलों में से निकाल चुकी हूँ, ये मैं आप लोगों को कहती रहती हूँ, लेकिन क्या होता है जब बारिश हो रही होती है ना उस टाइम आप ये काम करते हो ना, तो उस टाइम क्या मिट्टी सॉफ्ट हुई होती है, तो ये आसानी से देखिए ऐसे निकल जाती हैं वीड्स। अब मैं इसलिए फेंक रही हूँ कि वहाँ मेरे पड़ोस में खाली जगह है, और अब ये भी मकान बनने वाला है, फिर मुझे दिक्कत होने वाली है। तो बस ये सब काम अभी मैंने किया है, अभी और बहुत काम है मुझे करने के लिए। देखिए ये इस तरह की वीड बहुत परेशान करती है हमारे पौधों को, तो इसका भी मैं एक वीडियो अलग बनाती हूँ कि इस तरह की बेशरम वीड अगर लग जाए तो ऐसे वीड्स लग जाते हैं ये नर्सरी के पौधों में बहुत लगे हुए आते हैं, और ये मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने लगी हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।